जय भीम। नमो साथियों, साथियों आज प्रगति का युग है और इस प्रगति के युग में ना केवल समस्त संसार ने, हमारे भारत देश ने प्रगति की है, बल्कि जो पिछड़े हुए समाज थे उन्होंने भी कमोबेश प्रगति की है। लेकिन मैं चर्चा अगर बहुजन समाज की प्रगति की करना चाहूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इसकी प्रगति का जो रवैया है या ट्रेंड कहें या तरीका कहें वो किस प्रकार का है। साथियों, बहुजन समाज की प्रगति का आधार उसके महापुरुषों के द्वारा किए गए समस्त रूप से, संपूर्ण रूप से त्याग, बलिदान और समर्पण पर आधारित है। ऐसा त्याग, समर्पण और बलिदान जिसका उदाहरण किसी और अन्य जगह पर मिलना बहुत ही मुश्किल है, दुष्कर है, अन्यत्र कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता जो न केवल अपने जीवन को दांव पे लगा सके बल्कि अपने समस्त परिवार, सगे संबंधियों, समस्त पूंजी, जो भी कुछ उसके पास होता है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह उस सब को दांव पे लगा देता है। साथियों, जब यह समाज अभाव में था, प्रत्येक वस्तु का अभाव, प्रत्येक चीज़ का अभाव, प्रत्येक भाव का अभाव, जब इसके पास शिक्षा नहीं थी, साधन नहीं थे, संसाधनों में कोई भागीदारी नहीं थी, कोई नीति या कायदे कानून नहीं थे जिसके तहत जो है ये अपनी जो अधिकारों की जो बात है उसको यह सुनिश्चित कर सके, अधिकारों की मांग कर सके, तब उन महापुरुषों ने अपना समस्त न्योछावर कर वह प्रगति इस समाज को प्रदान की जिसके द्वारा आज यह समाज बहुत आगे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कम से कम अपनी उस प्रारंभिक अवस्था से तो बहुत आगे दिखाई देता है जहां पर कि इसके पास अधिकार नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। अधिकारों के नाम पर यदि थी तो गुलामी थी, अत्याचार थे और ऐसी चीज़ें थी जो इस समाज को अपमानजनक स्थिति में लाती थीं और अपमान झेलने के लिए मजबूर करती थीं। तो साथियों, आज जब यह समाज इतना प्रगति कर चुका है, हर क्षेत्र प्रगति की है, शिक्षा के क्षेत्र प्रगति की है, आर्थिक क्षेत्र प्रगति की है और सबसे बड़ी चीज़ कि मानसिक क्षेत्र में भी इस समाज ने बहुत प्रगति की है। आज पहले के मुकाबले अधिक शिक्षित लोग हैं, सरकारी नौकरियों में काबिज लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक हैं, लेकिन फिर भी इस समाज को ये बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े चिंतक सही दिशा व गति देने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, आखिर कारण क्या है। साथियों, मैंने बहुत सोचा कि आखिर कारण क्या है। कुछ लोग मुझसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि हमारी सभी समस्याओं की जो चाबी है या समाधान है वह राजनीतिक सत्ता है। और इस बात को लगभग हर चिंतक ने, हर विद्वान ने, हर वक्ता ने मंच के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कानों में यह बात कहने का काम किया। और अब यह बात आप समाज के किसी भी व्यक्ति से सुन सकते हैं, रटी हुई बात है, दिमाग में बैठी हुई बात है। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात में कोई बुराई नहीं है, बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बात तो बिल्कुल 100% बल्कि 200% ठीक है। और जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुख से निकली हुई बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर कोई चिंतन मनन हुआ ही ना हो या बगैर चिंतन मनन किए गए वह बात कह दी हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? आखिर अगर सभी समस्याओं की चाबी या उनका हल राजनीतिक सत्ता है तो यह समाज उस सत्ता से दूर क्यों है? सत्ता के लिए तो प्रयास हुए हैं, सत्ता के प्रयासों का ही परिणाम बहुजन समाज पार्टी के रूप में हमारे सामने आया। उससे पहले परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने RPA का गठन करके वह परिणाम समाज को देने का प्रयास किया। और वर्तमान स्थिति देखें तो अनेकों पार्टियां लोग बनाकर उस प्रयास में लगे हुए हैं, तो फिर सत्ता से दूरी क्यों? और सत्ता से दूरी नहीं बल्कि
जमीन आसमान की खाई बनती नजर आ रही है। यह समाज सत्ता से बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा है और जो परिस्थितियां आज वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार की विचारधारा ने उत्पन्न कर दी हैं, उससे तो अब ऐसा लगने लगा है कि भोजन समाज के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होने जा रहा है। शायद वह उसका अब सपना ही ले सके। आखिर कमी कहाँ है? अगर उन कमियों पर हम गौर नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे, जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब हम उन कमियों पर गौर करते हैं, जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपना चिंतन मनन किया, तो मुझे एक ही बात नज़र आई कि अब तक जो इस समाज ने प्रगति की है, वह व्यक्तिगत जो आंदोलन है, त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, वह उसका परिणाम रहा है। अभी तक संपूर्ण समाज ने अपनी इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाई है या बहुत कम अपनी भागीदारी इसमें दी है। तो आज वो समय नहीं है कि कोई उसी तरह से महापुरुष निकलेगा और वह अपना समस्त नुछावर करेगा और यह समाज फिर एक कदम आगे बढ़ जाएगा। और अब एक कदम से आगे बढ़ने वाला भी नहीं है। आज समाज जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस दौर में पहुंच चुका है, वहां पर अगर हमारे सामूहिक प्रयास नहीं हुए तो यह समाज टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और बिखर कर चूर हो जाएगा, रेत की तरह आपको दिखाई देगा और आपको इसका कोई आधार नज़र ही नहीं आएगा। विचारधारा का इतना मजबूत आधार लिए यह समाज अगर अपने पूर्ववत स्थिति में पुनः पहुंच जाए तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार कहेंगे? इस समाज को या इस समाज के कर्णधारों को? तो साथियों, आज हमें यह सोचना होगा कि जो समाज का कर्णधार अपने आप को कहते हैं, क्या वह अपने आप को ही समाज का प्रोधा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा संगठन है, मेरी राजनीतिक पार्टी है? यदि कोई भी व्यक्ति आज यह कहे कि मैं हूँ, मेरा संगठन है, मेरी पार्टी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वह व्यक्ति, वह कर्णधार आपको कभी भी आपकी समस्याओं से निजात नहीं दिला सकता। क्योंकि जिस व्यवस्था से, जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, वह संगठित है, वह सामूहिक है, वह कोई एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, वह आज करोड़ों व्यक्तियों की विचारधारा बन चुकी है और वह करोड़ों व्यक्ति मिलकर पूरे देश को, पूरी दुनिया को गुमराह करने पर तुले हुए हैं। साथियों, आज एक संघीय व्यवस्था की ज़रूरत है। आज प्रत्येक कर्णधार को अपना अहम त्याग कर अपने आप को एक संघ में समर्पित करने की आवश्यकता है। आज जितने भी प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जो समाज में जाने जाते हैं, जिनकी समाज में एक पहचान है, जो अपने अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, जो अपने अलग अलग संगठन बना रहे हैं, जो अपनी अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं, आज उन्हें सामूहिक रूप से संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इकट्ठा होना पड़ेगा। आज उन्हें इकट्ठा होकर हर एक समस्या पर, हर एक बात पर सामूहिक रूप से निर्णय लेना पड़ेगा, बहुमत के आधार पर फैसले लेने होंगे। यदि एक आदमी कोई भी फैसला करेगा तो वह सही भी हो सकता है, वह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा संघ, 10 लोगों का संघ, 20 लोगों का संघ, 50 लोगों का संघ यदि कोई भी फैसला लेगा तो वह कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता। यदि अनजाने में या किसी भी तरीके से संघ के द्वारा कोई गलत फैसला ले भी लिया गया तो संघ अपने प्रयासों से उस गलत फैसले को भी सही साबित कर देगा, लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर गलत फैसला ले लेता है तो साथियों उसका क्या हश्र होगा, यह हम सब जानते हैं। तो आज हमें इस बात पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, राजनीति में भी इसी तरह के प्रयास करने होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रयास करता है, हो सकता है कि वह कामयाब हो जाए, लेकिन वह तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या?
उसके बाद उसकी विरासत का क्या, इतिहास से हमें सबक लेना होगा और हमें आज इतिहास में की गई गलतियों से सबक लेते हुए एक कदम और आगे रखना होगा और उन समस्याओं का हल खोजना होगा जो पूर्व में इस समाज ने झेली हैं। आज समाज टकटकी लगाकर अपने कर्णधारों की तरफ देख रहा है। वह देख रहा है कि मंच पर आकर जो वक्ता हैं बहुत सुंदर भाषण देते हैं, बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, दिलो दिमाग को हिला देने वाला भाषण देते हैं। वक्ताओं को सुनकर श्रोता प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर कुछ आगे दिशा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह पूर्ववत स्थिति में आते हैं और समाज फिर उसी ढर्रे से उसी तरह चलने लगता है। कुछ लोग समाज का कर्णधार बनकर समाज को गुमराह करने पर तुले हैं, जिनके अंदर व्यक्तिगत योग्यता तो नहीं है लेकिन इस समाज का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। उनको चाहिए था कि वे अपने साथ में इस समाज के बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का थिंक टैंक लेते और उस थिंक टैंक को अपने साथ में रख कर उनके आदेशों का पालन करते हुए अपना काम करते। साथियों, वो भी एक समस्या का हल था, लेकिन वही बात है कि जब तानाशाही दिमाग में हो तो लोकतंत्र दिमाग में नहीं आ सकता और जब लोकतंत्र दिमाग में हो तो तानाशाही अपना स्थान नहीं ले सकती। दोनों चीज़ें, दोनों बातें बिल्कुल अपनी विपरीत दिशा में हैं। तो साथियों, इसीलिए हमें आज वो प्रयास करने की आवश्यकता है जो हमारे महापुरुषों का आदर्श है, उनका मार्गदर्शन है और वह बातें हमारे लिए कही गई हैं। संघीय व्यवस्था आज की नहीं है, बुद्ध के समय की है और संघीय व्यवस्था में जो समस्याएं आती हैं वह मानवीय व्यवहार की समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति मानवीय व्यवहार से पीड़ित है। मानवीय व्यवहार की जो समस्याएं हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, जो उसके उत्पादन हैं, उससे पीड़ित है और इनसे पीड़ित होते हुए वह सही डिसीजन नहीं ले पाता, वह अपने अहम को नहीं त्याग पाता, वह अपने लिए कुछ विशेष स्थान खोजता रहता है, वह अपना नाम को एक पहचान देने के लिए हमेशा लगा रहता है और इसी लगे रहने में वह महत्वपूर्ण क्षण, वह महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है जिससे कि उसके बजाय समाज का भला हो सके। और समाज का भला साथियों तभी हो सकता है जब समाज के कर्णधार इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघ बनाकर संघ को अपने आप को समर्पित कर दें और संघ जो निर्णय ले उसको वह क्रियान्वित करने के लिए अपना जी जान लगा दें और जब तक वह क्रियान्वित ना हो अपना कुछ भी व्यक्तिगत लेकर ना आए, व्यक्तिगत नष्ट करना होगा, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से संघ को समर्पित करना होगा, हर चीज़ समर्पित करनी पड़ेगी। अगर यह संघ का निर्माण होता है और हर एक व्यक्ति अपने आप को संघ को समर्पित कर देता है तो मैं नहीं समझता कि इस देश, इस समाज के लोगों की समस्याओं को हल नहीं किया जा सके। जय भीम, नमो तथा साथियों।